ऋषि, ऋषि, ऋषि क्या कर रहा है और घर का क्या हाल बना दिया है? बहुत लेट हो गया यार। क्या हुआ? वो लड़की मर चुकी है, छोटी सी बच्ची थी यार, 10 साल की थी। क्या देखा उसने अपनी जिंदगी में? मेरे हाथों में। ए, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके। हाउ द हेल इज इट ओके? डॉक्टर ने क्या कहा पता है? अगर 10 मिनट पहले ले आते तो बच जाती। इतने लोग खड़े थे मगर किसी ने मदद नहीं की। लड़की वहां पर तड़प रही थी, सब जानवरों की तरह देख रहे थे। जानवरों में भी थोड़ी सी फीलिंग्स होती है। लाशों की तरह खड़े थे। तुमने कहा कि वो लोग देख लेंगे, ऐसे उन लोगों ने सोचा कि कोई और देख लेगा। 10 मिनट। ए, ओवर रिएक्ट मत कर यार, तू पागल हो गया। पड़ेगा जिंदा होना, रिएक्ट करना पड़ेगा। हम सबने मिलकर मार डाला उसे। ऐसे नहीं चलेगा। चलो चलो मेरे साथ, ये सही नहीं है। ए ऋषि, मेरी बात सुन, यहीं रुक जा। मैं तेरे लिए एक अच्छा जॉब ढूंढूंगा, यही सेटल हो जा। वो दूध काशी ये सब कहकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। समझ गया? ये जिंदगी नहीं है, ये जन्म, ये स्वार्थ। तुम्हें कैसे समझाओ, समझ नहीं आ रहा। ये जिंदगी नहीं है यार, जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। चल तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। ए, हर रोज हजारों लोग मरते हैं, अगर ऐसा सोचकर रोते बैठेंगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तू मुझे बोल रहा है? एक जॉब भी ढंग से किया तूने। मेरी लाइफ है यार, मेरी मर्जी। कम से कम मैं जी तो रहा हूं। तुम्हारी तरह प्रमोशन के नाम पर, स्टेटस के नाम पर, बॉस की बेटी से सगाई करके अपनी जिंदगी गिरवी नहीं रखी मैंने। ये प्रमोशन नहीं, प्रोस्टिट्यूशन है। बकवास बंद कर। कौन है बे तू? तू है कौन मेरी लाइफ के बारे में बोलने वाला? बचपन का दोस्त समझकर झेल रहा हूं तुझे। मां बाप को छोड़कर गांव गांव भटक रहा है। इस मामले में मत बोल। मैं किसी भी मामले में बोलूंगा, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी। किसी दूसरे के घर पे बेकार नहीं बैठा हूं मैं। फिर भी तू है कौन मुझे बोलने वाला? मैं फिर से बोल रहा हूं, एम्बिशन, स्टेटस, मनी, यही है दुनिया। अगर यही दुनिया है, यही इसका दस्तूर है, तो नहीं जीना मुझे इस दुनिया में। तो जा यहां से। हेलो ऋषि, 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 ये क्या कर रहा है तू? पूरे स्कूल में तुझे ढूंढ रहा था मैं। सुबू, देख यार, ये बारिश में गिरने वाला था, अब सेफ है। वो तो ठीक है, पर तूने साइंस प्रोजेक्ट क्यों नहीं सबमिट किया? टीचर ने कहा है कि आज लास्ट डे है प्रोजेक्ट सबमिट करने का। कहाँ है तेरा प्रोजेक्ट? ये क्या प्रोजेक्ट फाड़ कर तूने ऊपर रख दिया? 20 मार्क्स थे यार। ए, इसका क्या यार, फिर से लिख लूंगा। पता नहीं क्या क्या करता है। ए, ये तेरा है? हाँ मेरा ही है। तेरा कंपास बॉक्स तो कितना कॉस्टली और ऑसम है यार, मेरा वाला तो बोरिंग डब्बा है। तुझे अच्छा लगा तो ले ले। What? ए, ये कम से कम 200 रुपीज का होगा और मेरा वाला सिर्फ 20 रुपीज का है। वैसे अच्छी डील है ये। फ्रेंडशिप पे कौन सी डील यार? पक्का ना, एक बार ले लूंगा फिर नो रिटर्न्स। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। सुबू आ जाओ, आज खाना मैं बनाऊंगा। पता क्या खाएगा? पैक बीन्स, पैनकेक्स, हैश ब्राउन्स या ऑमलेट। ओह ये, दिस इज़
रात का नशा उतरा, चुपचाप घर आ जा। हेलो, मैं इंस्पेक्टर रमाकांत बोल रहा हूँ। श्याम नगर के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, स्पॉट डेथ। पूरी रात बॉडी वहीं पर पड़ी थी, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। फोन चेक किया तो लास्ट डायल नंबर यही था। हेलो हेलो, बॉडी जेजे हॉस्पिटल में है, और डिटेल्स चाहिए तो कॉल बैक कीजिए। हेलो, 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 मैं उसे ढूंढ रही हूँ। चार साल से? बचपन से उसका जिद्दीपन, तू तो जानता है ना? वो अपने मर्जी के मुताबिक रहता था। उसके पापा से उसका झगड़ा क्या हुआ और उन्होंने गुस्से में वापस अपनी शक्ल मत दिखाना कहा। बस हमेशा के लिए अपना चेहरा दिखाए बिना चला गया। एक बार मैं उसे देखना चाहती हूँ, उसकी हंसी सुनना चाहती हूँ। मेरा बच्चा, बहुत बड़ा दिल था उसका। अगर किसी को भी तकलीफ हो तो मदद करता था। सोना था मेरा बेटा ऋषि, हमेशा डर लगता था कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा वो। एटलीस्ट तू उसके साथ था। लास्ट कॉल, तुझे क्या होगा उसमें। रोइए मत माँ जी, संभाल अपने आपको। चलिए रिया, सारे काम हो चुके हैं, कल आता हूँ। आंटी, सो सॉरी, ऋषि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई वाज शॉक्ड टू हियर द न्यूज। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सबो, ये क्या हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम यहाँ कैसे आ गई? ये क्या है? ये ऋषि ने मेरे पास रखा था। हाँ तो? मैं ऋषि से क्यों मिली थी सुब्बू? उसने मुझे दूधकाशी के बारे में क्यों बताया था? अपनी लाइफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मेरे पास रखकर जाने का क्या मतलब हो सकता है? इट्स डेस्टिनी, हमें इस जर्नी को पूरी करनी होगी। पागल की तरह मत बोलो, अब ये कुछ भी नहीं है। डेस्टिनी नहीं है, जर्नी नहीं है, दूधकाशी नहीं है, असल में ऋषि ऋषि ही नहीं है। I'm so sorry. It's okay. Who are मेरा नाम आनंदी है, ऋषि के बेस्ट फ्रेंड हूँ। एक्चुअली हम तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं। सुबो, यहाँ ना। सुबो, तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ बिल्कुल, ऋषि जैसे नहीं है, शायद आंटी जैसा होगा वो। अंकल, आपसे एक बात पूछनी थी, आप दूधकाशी के बारे में क्या जानते हैं? एक्चुअली अंकल, ऋषि ने बताया होगा ना आपको, हिमालय की लेक, उसका रास्ता ऋषि को मिल गया था। अब मैं और सुबह वहाँ उसे लेकर जाना चाहते हैं। What are you talking about? हमें ऋषि की अस्थियाँ चाहिए अंकल, हम उसे दूध काशी लेकर जाएंगे। Get out. अंकल लेकिन Get out. पूरी जिंदगी उसने इसी पागलपन में बर्बाद कर दी, इसी वजह से उसकी मौत भी हो गई।
अब तुम वापस शुरू मत करना। अंकल प्लीज मेरी बात तो सुनिए। नॉट अनदर वर्ड। गेट आउट बिफोर आई कॉल द सिक्योरिटी। सॉरी, आउट। मेरी बात तो सुनिए अंकल।